रवि तू उससे प्यार करता है? अरे फ्रॉड तो तू है। मैं उसको अभी ठीक से समझ पाया हूँ। अगर आप ओके बोलते हो तो मैं उससे शादी कर लूंगा। मैं क्या पागल हूँ? मैं अगर उससे प्यार कर सकता हूँ तो उससे शादी भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह फ्रॉड नहीं हूँ, समझा क्या? चल जा। तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार ठीक बोला है, कुछ तो करना पड़ेगा। निधि के घर का नंबर मिला तुझे? वो सब मेरे पास है, पर कॉल करके क्या बोलेगा? आपकी बेटी वरुण नाम के लड़के के साथ प्यार करती है। वो भाग के शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये वरुण लड़कियों के साथ खिलवाड़ करने वाला एक शख्स है। निधि को भी वो जरूर बर्बाद करेगा, लेकिन निधि को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी बेटी को बचा सकते हैं। कैसी लगी? अरे पहले बात बोल के जल्दी फोन कर, तू अननेसेसरी पंगा कर रहा है यार तू। मैं देख लूंगा, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। जोसो भैया की दुकान में चलते हैं। हाँ कहीं से भी कॉल करते हैं, तू पहले गाड़ी ले। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। क्या हुआ भैया? बेटा तू उसके घर पे फोन किया था ना, ये मुझे पता है। अब क्या बोल रहे हो भैया? क्या बात कर रहा, मैं उससे शादी नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। देखते रहना मैं क्या करता हूँ। देखता हूँ तू क्या कर सकता है। क्या हुआ अभी निधि? उस दिन जो काम मैंने कॉलेज में किया वो बहुत गलत है। तब तुम मेरे लिए बस एक टाइम पास थी, पर यहाँ एक साथ काम करने के बाद मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझ लिया है। सच में निधि, आई रियली लव यू। क्यों ना हम पुरानी चीजें भूल जाएं? हो गया, तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे थोड़ी हंस के जो बातें किया मैं सब कुछ भूल गई? तुम्हारे लिए प्यार एक टाइम पास और मजाक रहा होगा, लेकिन तुमने कभी सोचा है अपना काम खत्म करके उस लड़कियों के बारे में उन पे क्या बीती होगी वो तुमने जानना जरूरी नहीं समझा है ना? निधि कभी सोचा है तुमने मुझ पे क्या बीती होगी? पता है तुम्हें? से ही नफरत करने लगी, अपनी जिंदगी से मैं नफरत करने लगी। रात को नींद तक नहीं आती थी मुझे। धोखा खाने के निराशा में मैं सब लोगों से नफरत करने लगी, इस दुनिया से भी। फिर दोबारा नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस आई ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफी परीक्षण वाले दिन थे वो। लेकिन मुझे तुमसे शुक्रिया अदा करना होगा। उस दिन के हादसे के बाद माँ बाप का प्यार क्या होता है ये मुझे पता चला। आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ वो सिर्फ उनके लिए ही है। ये कुछ नहीं है, तुम्हें तो और भी रोना है। फूट फूट के रोएगा तू अभी। तुम्हारी यादें, उन घावों का जलन महसूस करना तुम्हारी जिंदगी में अभी बाकी है। थैंक यू सर। सर
मैंने अपना रेजिग्नेशन ऑफिस में दिया है सर। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो अभी? सर, आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक। थैंक यू सर। अबे, अबे, ऐसा डिसीजन लेने के लिए तुम्हें कौन उकसाया है? तुम्हारा स्मार्टनेस कहाँ गया अभी? हे कम ऑन मैन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अबे, इस तरह की प्रॉब्लम से मैं भी गुजर चुका हूँ। बचपना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें बहुत ऊंचाई तक जाना है। सो, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक बार ठीक से सोच लो। अरे, तेरे लिए खाना रखूं? अभी बेटा। इसको क्या हो गया? अभी क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। वरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया। तूने क्या किया वो ठीक है क्या? ठीक है, बोलो। नहीं। देखो बेटा, ये प्यार और चाहत मजाक वाली बात तो नहीं है। जब किसी लड़की तुझ पर भरोसा करेगी ना, वही तुझे प्यार करेगी। उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं पहुंचाने चाहिए, वो तेरी जिम्मेदारी है। अरे, तुझ पर वो भरोसा किया है ना, वो भी टूट जाएगा। तू जो सोच रहे हो ना, दोनों मिलना, गले लगाना, कॉफी पीने का मतलब नहीं है प्यार। प्यार करने के लिए अच्छे दिल चाहिए। अगर अच्छा दिल मिला है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सभी के जीवन में दुख लाते हैं, क्योंकि तभी हम अच्छे दिल को पहचान सकते हैं। वही सच्चे प्यार होते हैं। इसीलिए किसी की मन को दुख नहीं पहुंचाना। भैया, आई एम सॉरी। छोड़ यार, मैंने बहुत सोचा। जो मैंने किया वही गलत है। आप दोनों को ही एक साथ रहना चाहिए। आप दोनों की शादी के लिए मैं बहुत खुश हूं। अब जाके तू मेरा भाई बना है। ये सब छोड़, घरवालों को मनाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। मेरे पास एक रास्ता है। पहले दोनों फैमिलीज को डिनर पे बुलाना चाहिए। वैसे अगर दोनों फैमिलीज मिल जाएंगे तो इजी हो जाएगा। वो सही है। चल। ये कैसी लगी? हा? अच्छा है, स्टाइलिश भी है, शाहरुख जैसे लग रहे हो। मेरा मजाक उड़ा रहा है। अबे, तू क्यों अभी तक रेडी नहीं हुआ? मैं पहुंच जाऊंगा, पहले आप जाओ। चल, थैंक्स यार।
अरे जल्दी तो आओ ना। ऑल द बेस्ट। लड़कियों से भी ज्यादा वक्त ले रहे हैं तैयार होने के लिए। आ रहा हूँ। अरे बहुत टाइम हो गया, चलो। आ रहा हूँ पापा। जल्दी ही पहुँच जाओगे ना? चलो जल्दी चलो। हाँ प्लीज बैठो जल्दी। चलो चलो, समय तो निकल रहे है ना बेटा। पेट्रोल है ना गाड़ी में? अरे वो सब है पापा। हाँ उसके बाद